हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ईबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ईबीएस मेनली सीटेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ईबीएस की तैयारी हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, और आप सभी को पता है एनसीईआरटी की बुक से हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो क्लास फिफ्थ की बुक है, और क्लास फिफ्थ की बुक के 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आज है यहाँ पे पाँचवा चैप्टर है बीज बीज बीज। तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो 1 से लेकर 5 तक के पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं सारे एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक पे फोकस कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल, और 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागॉजी से। तो जो फैक्चुअल होते हैं और कुछ पेडागॉजी से के भी क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियाँ बिताने, मतलब ये है कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने कहीं पे गए हुए हैं। तो मेनली ये बीच के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे कटोरी में चने भिगोए जाते हैं, तो चने अंकुरित हो जाते हैं, और किस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं, हमें अंकुरित चने क्यों खाने चाहिए, और इस तरीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन कई मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चर्चा करने को कहा गया, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ही चर्चा करने को कहा गया तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों, घर में हमारी कौन सी चना मूँग मटर राजमा ये सब खाना बनाने से पहले भिगोया जाता है, इनके दाने बहुत कड़े होते हैं जिन्हें पकाने में बहुत समय लगता है, और भिगोने से क्या हो जाते हैं मुलायम हो जाते हैं, और इन्हें पकाने में भी बहुत कम समय लगता है, तो ये रीज़न है। ठीक है, जब भी ऑप्शन करके आप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, चना हुआ मूँग हुआ ये सब, और सुबह रात भर पानी में भिगोया जाता है, सुबह उसे पानी से निकाल कर गीले कपड़े से माथ कर छोड़ दिया जाता है। चने को अंकुरित होने में कितने समय लगते हैं, 36 से लेकर 48 घंटे तक, 36 से लेकर 48 आवर्स तक। फिर उसके बाद मूंग को अंकुरित होने में 24 से लेकर 32 आवर्स तक का समय लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और क्या तुम्हें तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और क्यों, हाँ हमेशा देते हैं, लगभग देते रहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं और डाइजेस्टिव भी होते हैं, तो ये रीज़न है। विकल्प में आप लोग ऐसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, करके देखने को बोला गया है। अब करके देखने से यहाँ पे जो कॉन्क्लूज़न निकलता है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो कॉन्क्लूज़न निकलता है, यहाँ पे देखिए, कुछ चने भिगोने को कहा जाता है, तो एक कटोरी में 3 कटोरियाँ ली जाती, 3 कटोरियाँ होती, तीनों कटोरी में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो पहले क्या रखा जाता है, चने के कुछ दाने, पहली कटोरी में चने के कुछ दाने 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो, तो इसमें क्या है, इसमें पानी है, और दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो, ये हुआ। फिर तीसरे में क्या है, तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो और इन्हें तीनों को ढक दो, क्या अंतर मिलता है। अब यहाँ पर अंतर क्या मिलता है आगे की तरफ यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या, तो यहाँ पे पहली कटोरी दूसरी तीसरी यहाँ पे तीनों लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ क्या बीजों को हवा मिल रही है, तो पहली कटोरी में नहीं, दूसरी में हाँ, तीसरी में हाँ। क्या बीजों को पानी मिल रहा है, तो यहाँ पे हाँ है, और दूसरी कटोरी में भी हाँ है और इसमें नहीं है, पानी की बात पूछी जा रही है, तो पानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तीसरी कटोरी में, क्योंकि ये खाली रखा गया। बीजों में क्या बदलाव आया, तो यहाँ पहली कटोरी के बीज काले पड़ गए हैं, इस कटोरी के बीज दूसरे नंबर के कुछ फूलकर बड़े हो गए और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता, इसमें अंकुरण नहीं हुआ, इसमें अंकुरण हुआ और इसमें नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं,
कि इस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है। आप लोगों के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ आता जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे अंकुरण केवल दूसरी कटोरी में हुआ, आप सभी देख रहे हैं दूसरी कटोरी में अंकुरण हुआ। दूसरी कटोरी में क्यों हुआ यहाँ पे पूछा गया, बताओ और लिखो। तो किस कटोरी में अंकुरण हुआ, दूसरी कटोरी में अंकुरण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी कटोरी के चने को पानी और हवा दोनों मिले और पहली कटोरी के चने को केवल पानी ही मिला। बात समझ में आ रही है। तो कटोरी एक के चने को केवल पानी ही मिला और कटोरी तीन के चने को केवल हवा ही मिली। और अंकुरण के लिए आप सभी जानते हैं हवा और पानी दोनों ज़रूरी होता है। इवन अगर हम उसमें और भी कुछ जोड़ देते हैं तो तापमान भी ज़रूरी होता, उचित तापमान ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। तो गीले कपड़े में क्यों बांधे गए, जिससे कि चने को पानी और हवा दोनों मिल सके। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षक संकेत में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शिक्षक संकेत में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इससे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। तो प्रयोग करते समय कमरे का तापमान उचित तापमान होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सीड जर्मिनेशन के लिए जो अंकुरण है उसके लिए नमी चाहिए होती है, और जो वार्मर क्लाइमेट होता है, बहुत गर्म वाला जो मौसम मतलब वातावरण होता है, वो क्या करता है, वाष्पीकरण को बढ़ा देता है। वाष्पीकरण को जब बढ़ा देता है तो उसमें से जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे कि अंकुरण प्रभावित हो जाता है। कहने का मतलब उचित तापमान ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें तैयार होगा, उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, साबुत मसूर की दाल से मैं दाल बनी हूँ लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। दाल बन गई है तो अंकुरित क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि साबुत मसूर की दाल बनने में मसूर को कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसकी अंकुरित होने की जो है क्षमता वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें मिल जाता है। हमें यहाँ समझदारी से क्वेश्चन निकालना है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, समझ में आ रही ना बात। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बच्चों से काम करने को बोला गया कि अलग अलग किस्म के आप बीज बोइए और फिर उसका जो भी निष्कर्ष निकल रहा है वो बताइए, जैसे कि तारीख कब है ये। फिर उसके बाद कैसा निष्कर्ष निकालने को बोला गया कि इस तारीख को बोया गया था तो इस तारीख को कितनी लंबाई बढ़ी, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव, तो बच्चे इससे निष्कर्ष निकाल देंगे समय के साथ पौधा बढ़ता जाता है। तो आगे चलते हैं आगे के पेज की तरफ। तो यहाँ पे अब उसी के अकॉर्डिंग इनसे पूछा जा रहा, पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे, ये सब चीज़ें। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है चर्चा करो, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे, किस बीज के पौधे को। अब वहाँ पे जितने बीज बोए गए थे, जैसे कौन से बीज बोए गए थे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बीज बोए गए थे सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। ध्यान दीजिएगा, सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में ज़्यादा दिन लगे। तो किस को बाहर निकलने में ज़्यादा दिन लगा होगा, तिल के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ पे तिल के बीज, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे, तो सरसों के बीज। क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तो क्या इसके बारे में कौन सा सही है, क्या तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा होगा। तो सबसे मेन चीज़ है, जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली वे सभी अच्छे उगे, और जिन्हें नहीं मिली वे पौधे नहीं उगे। अब जो नहीं उगे होंगे बच्चे वो बता ले जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। पौधों को पानी नहीं मिला होगा, पानी की कमी से पौधे पीले और सूख जाते हैं, ठीक है। तो पौधों को पानी ना मिलने से क्या हुआ होगा, सूख जाएंगे और वो गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिल की बात बताओ। दिल की बात बताओ में यहाँ पे क्या होता है, बीज के अंदर एक नया पौधा होता है। अगर बच्चों के हिसाब से हम बात करते हैं तो
छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? बीज मिट्टी से पानी अवशोषित करता है, फिर अंकुरित होता है और फिर पौधा बन जाता है। ये बच्चों के लेवल की बात, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि बीज के अंदर क्या होता है तो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे हमें इस तरीके से जवाब देना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है तो अगर हम बीज खोलते हैं तो दोनों इस तरीके से, अगर ये ऐसे बीज हुआ, बीज खोलते हैं तो ये दोनों क्या हो गए? बीज पत्र हो गए, और बीच में यहीं पे क्या लगा होता है? भ्रूण लगा होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं। और इसका निचला सफ़ेद भाग क्या होता है? मूलांकुर कहा जाता है, और ऊपरी वाला भाग प्रांकुर कहलाता है। तो ये जो एम्ब्रियो है तो उसका ये निचला वाला भाग जो होता है, जैसे ये एम्ब्रियो हुआ तो इसका निचला सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है, ऊपर का भाग प्रांकुर कहलाता है। और मूलांकुर यानी कि अगर इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल होता है, और प्रांकुर ऊपर का प्लूम्यूल होता है, ठीक है। जो रेडिकल होता है उससे क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं नीचे की तरफ जो चली जाती हैं, और ऊपर जो प्लूम्यूल होता है उससे तना बनता है, ठीक है। तो अंकुरित बीज के ये भाग क्या करते हैं, कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए जो ये एम्ब्रियो होता है, ये दोनों बीज पत्रों से, बीज पत्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉटिलेडन्स कहते हैं। तो इससे ये क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। और बीज से नन्हे पौधे का बनना क्या कहलाता है? बीज का अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बीज के अंकुरण के लिए वायु, पानी और उचित ताप आवश्यक होता है, ठीक है। और अलग अलग पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियां और जलवायु आवश्यक होती हैं। तो सभी पौधों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। जो मरुस्थल में होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन होती है, जो जलोद्भिद होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन होती है, जो स्थल पर उगने वाले होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन होती है। बात समझ में आ गई होगी, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पर शिक्षक संकेत में क्या है, शिक्षक संकेत में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत है। बीज के अंदर क्या होता है, हमने आप सभी को बता दिया। अगर यहाँ पे रिप्लाई करना है तो बीज के अंदर नन्हा सा पौधा होता है, लेकिन और जानकारी के लिए आप ये कह सकते हैं बीज के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो का जो निचला भाग होता है वो कहलाता है मूलांकुर, ऊपर का भाग कहलाता है प्रांकुर। मूलांकुर से ही जड़ें निकलती है, प्रांकुर से तना निकलता है, ठीक है। और फिर ये जो एम्ब्रियो होता है उसे भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये दोनों बीज पत्रों से मिलता है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। और अगर पौधे चलते होते तो क्या होता? चित्र बनाओ, तो बच्चे चित्र बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? अब यहाँ पे पता करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिकारी पौधे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो चूहों, मेंढक और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, नेपन्थीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक। और इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है, यहाँ पे देखिए लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कीट अट्रैक्ट होते हैं और इसमें खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा लसलसा सा पदार्थ होता है जिसके अंदर ये फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। फिर ये ऊपर का ये जो ढक्कन होता है वो ढक लेता है, ढकने के बाद ये अंदर यहाँ पे चले जाते हैं और इनका डाइजेशन हो जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है नेपन्थीज। और कुछ शिकारी पौधों के नाम आप लोग एग्ज़ाम मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, हमने पढ़ाए भी एससीईआरटी की बुक से, बहुत सारे पढ़ाए नेपन्थीज के अलावा कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कितने सारे बीज। अब यहाँ पे देख, ये बीजों की कैटेगरी के बारे में बताया गया। कहने का मतलब यहाँ पे भी बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है और हमारे लिए कुछ क्वेश्चन तैयार हो रहा है। जैसे देखिए बहुत सारे बीज, इन बीजों को ध्यान से देखिए, ये सारे बीज हैं तो उसमें से कुछ ध्यान से देखने को बोला गया है कि कौन सा लंबा है, कौन सा चपटा है, कौन से किस आकार का है, किसकी त्वचा खुरदरी है, कौन गोल है, कौन चपटा है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें कैटेगराइज करने को करने के लिए बच्चों से बोला जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो दी गई तालिका से चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसमें भरें इसको। तो तालिका बच्चे बनाते हैं, तो तालिका में पूछा जाता है क्या इस सूची में
सौंफ और जीरा भी हैं, सबसे छोटा बीज, ये तो सूची के अकॉर्डिंग ही बच्चे बता ले जाएंगे, इसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं, हम बताते चलते हैं। जीरा हुआ, काली मिर्च हुआ, धनिया हुआ, मेथी, सौंफ आदि मसाले के रूप में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सब्जी के बीज हैं, भिंडी, टमाटर, खीरा, ये सब। और जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, सेब, संतरा, पपीता, ये सब। और जो हल्के हैं, फूंक मार कर पता कर सकते हैं, तो अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ। और जो चपटे हैं, राजमा हुआ, सेम हुआ, ये सब हैं। नेक्स्ट चलते हैं घुमक्कड़ बीज। घुमक्कड़ बीज, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि कुछ बीज जो हैं किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बीजों के हम समूह बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया बीजों के समूह बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, तो घुमक्कड़ बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं, लगभग हम ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ बीज छोटे बीज हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, और भारी बीज हो सकते हैं, पानी में तैरने वाले बीज हो सकते हैं। ये इस तरीके से बीज की कैटेगरी बना लेते हैं, तो उसमें से उड़ने वाले कौन हैं वो सब हम पता कर सकते हैं। तो इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा? हाँ, बहुत सारे हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पे तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहा जाता था? हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ पे बुढ़िया दादी कहा जाता था, वो वाइट वाइट सा उड़ता रहता था। तो आप लोग के यहाँ क्या कुछ भी कहा जाता हो? अब यहाँ पे देखिए, सबसे मेन आ गया वेलक्रो। वेलक्रो की के बारे में, तो वेलक्रो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1948 की घटना है। जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे, उन्होंने पाया कि दोनों पर बीज चिपके हुए थे। जब वो माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखते हैं बीज को, तो छोटे छोटे उसमें हुक लगे हुए थे। इसकी मदद से वे उन्हें एक आइडिया आया, फिर देखकर मिस्टल को एक आइडिया आया और वेलक्रो बनाने को कहा। वेलक्रो क्या होता है जानते हैं? जैसे चप्पल, ऐसे इस तरीके से ये चिपका दिया गया है। बैग, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे से चिपका दिया जाता है और फिर आवाज़ चरचर की आवाज़ के साथ वो खुलते हैं, आप सभी को पता होगा, उसे कहा जाता है वेलक्रो। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, इस चित्र से पता चल रहा है कि पहले में गिलहरी है, दूसरे में चिड़िया है और तीसरे में पानी है। तो ये गिलहरी बीज ढो रही है, यानी कि जानवरों के द्वारा बीज ढोया जा रहा है, पक्षियों के द्वारा ढोया जा रहा है, और पानी में तैर कर भी बीज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोयाबीन की फलियों के बारे में, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह उनका प्रकीर्णन होता है। बीजों का एक जगह से दूसरी जगह उड़ना क्या कहलाता है? बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ये SCRT की बुक में आपको हमने डिटेल में पढ़ाया है। और सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं, यानी कि एक ही जगह पड़े रहते, तो क्या होता है? एक ही जगह पड़े रहते तो एक ही जगह वहाँ सारे बीज पड़े रहते, तो उससे निकलने तो मेनली उसको सही से धूप और पानी, हवा, ये सब नहीं मिल पाते। और एक ही जगह पड़े रहने से बहुत सारी समस्याएं, यानी कि सारे बीज वहीं पड़े रहते और थोड़ा सा गंदगी भी रहती, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और उस एक सूची बनाओ किस किस तरह से बीज बिखरते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेना ज़रूरी, आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था नारियल के बारे में। नारियल का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है? तो पानी से होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे नारियल का कहीं पे नाम नहीं लिखा गया, लेकिन चित्र बना हुआ था। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जानकारी कर लेनी चाहिए कि प्रकीर्णन कैसे होता है, तो वो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि जो बीजों का प्रकीर्णन है वहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे मेन आपको बताते हैं, बीजों का प्रकीर्णन यानी कि बीजों का फैलाव, बीजों का इधर से उधर जाना। और ये क्यों आवश्यक है? यदि सभी बीज वहीं गिर जाएं, तो जो जनक पौधा होता है उसी के नीचे जैसे सारे बीज गिर जा रहे हैं, तो मिट्टी के लिए खनिज, सूर्य के प्रकाश, जल आदि के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने लगेगा। फिर कोई भी नया पौधा वहाँ पर अंकुरित नहीं हो पाएगा, नहीं पनप पाएगा। इसीलिए बीजों का प्रकीर्णन
आवश्यक होता है। तो उसके लिए बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो जैसे कुछ बीजों में कांटे से होते हैं, तो वो पशुओं की खाल पर, उनकी पूंछों के बाल पर, भेड़ों के ऊन, मनुष्यों के कपड़े, इन सब में फंसकर बहुत दूर तक चले जाते हैं। हम लोगों में भी कभी कभी ऐसे कुछ ना कुछ चिपक जाता है, अगर कहीं भी आप झाड़ियों वगैरह में जाते हैं तो। फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ इतने हल्के रेशों के साथ होते हैं कि हवा में उड़ कर फैलते हैं, जैसे रुई हुआ, कपास हुआ, रुई कपास दोनों एक ही है। और फिर कुछ भीतर से खोखले होते हैं और इनके खोल स्पंजी या थोड़े से ऐसे होते हैं रेसे टाइप में, कि पानी में तैरकर दूर तक पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नारियल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और किन्हीं में पंख होते हैं जैसे मैपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पौधे एक दूसरे जो होते हैं बीज एक जगह से दूसरी जगह वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कहाँ से आए जी, ये देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे एक लाइन इम्पॉर्टेंट मिलती है। तो यहाँ पे जो मिर्ची है, ये देखिए ये मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई, इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो ये कहाँ से आई थी, दक्षिण अमेरिका से भारत आई है। अब यहाँ पे एक आपको कविता देखने को मिलेगी, तो ये कविता है कौन कहाँ से आया जी, इस कविता में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कविता अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कविता यहाँ पे कही जा रही, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, तो सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से। तो कहने का मतलब दक्षिण अमेरिकी, आपको ये कविता आपके सामने रखते हैं। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल को, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये सारी चीज़ें दक्षिण अमरीकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, ये कविता पढ़ के आपको सुना देते हैं। तो दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल को, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये हो गए सारे दक्षिण अमरीकी। और भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी, तो अफ्रीका की भिंडी और कॉफ़ी। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। ठीक, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, धूम घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है कई गुण विशेष, रोप जमाकर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो चीन से सोयाबीन, चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका, सोयाबीन चीन से चल के अमेरिका पहुंची। तो कौन कहाँ की है, कहाँ पे जाके वहाँ पे पहुंच गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कविता से समझ सकते हैं। फिर बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। तो ये सारी चीज़ें ये देसी हैं, ठीक है, अपने इंडिया की, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो सभी अगर आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, तो आप सभी जान गए होंगे। और ये अगर इस तरीके से ना आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती, आप समझ सकते हैं। एक दिन अगर मिर्ची ना मिले तो कैसी लगता, खाना कैसा लगता, तीखा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी इस चीज़ को समझ रहे हैं। फिर आगे हम क्या समझे, लास्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी। आप सभी को बताया मैंने, अपने शब्दों में लिखो, अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो ये बीज कैसे दिखेंगे, क्या अंकुरित होंगे, नहीं होंगे, और बीज किस किस तरह से बिखरते, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। बीज किस किस कितने तरीकों से बिखरते हैं आप सभी जानते हैं, बीज जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा बिखरते हैं। हल्के बीज हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कुछ बीज पानी में। अब लास्ट में यहाँ पे कुछ कॉन्क्लूजन के तौर पे कुछ स्टैंडर्ड बातें कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, जो एग्ज़ाम के लायक इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बीज के बारे में, तो बीज की संरचना में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी बीज तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बीज चोल, क्या क्या, बीज चोल, बीज पत्र और भ्रूण, सीड कोट, कॉटिलीडेंस और एम्ब्रियो, तीनों चीज़ें हो गई। तो किसी भी बीज को अगर हम फोड़ कर देखते हैं तो ये तीनों संरचनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं, हमने चित्र बना के भी आपको दिखाया था। नेक्स्ट है, अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं तो बीज चोल की संरचना, बीजों के ऊपर एक खोलनुमा परत होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, वही है बीज चोल। इसे बीजावरण या बीज चोल कहते हैं, या बीज का सुरक्षा कवच होता है,
जो उसे जल नष्ट होने से बचाता है। बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है? बीजपत्र की संरचना, बीजावरण के अंदर एक या दो हिस्सों में बटा हुआ दाल जैसी रचना होती है जिसे हम बीजपत्र कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था इस तरीके से अगर चने को हम तोड़ते हैं तो दो ऐसे कॉटिलेडन्स बीजपत्र हमें दिखाई देते हैं, जो कि ऐसे चने के कवरिंग को अगर हम हटाते हैं दोनों भाग अलग हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है बीजपत्र। ये भ्रूण से पौधा बनने की प्रारंभिक अवस्था में पौधे के लिए क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। कुछ पौधों में दो बीजपत्र होते हैं, जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ, सेम हुआ। और कुछ पौधों में एक ही बीजपत्र होता है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये सब। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक आ जाती है, हमने नाम लिया भ्रूण, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो कॉटिलीडेंस बीजपत्र के अंदर यहाँ पे उसकी छोटी सी नुकीली सी रचना होती है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। इसी से अगला पौधा विकसित होता है। जैसे ये चना है तो चने से अगला पौधा जो विकसित होगा उस एम्ब्रियो से ही विकसित होगा। भ्रूण के ऊपरी सिरे से प्रांकुर बनता है और निचले सिरे से क्या बनता है? मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ें निकलती हैं, ऊपर से प्रांकुर से तना निकलता है, रेडिकल और प्लेम्यूल, जो कि आपको हमने बताया इससे पहले। ठीक है, अब बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी हैं? बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीज़ें जो किताब में हमने पढ़ी बच्चों को बताने के लिए, हवा, पानी, मेनली दो पे ही चर्चा हुई थी, हवा, पानी, थोड़े से तापमान। तो लेकिन क्या क्या ज़रूरी है बीजों के अंकुरण के लिए? पांच प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती, ऑक्सीजन, जल, ताप, प्रकाश और मिट्टी। ठीक है, तो अंकुरण में अब ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। अंकुरण में ऑक्सीजन मिलती कैसे? बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन उसे मिट्टी के अंदर मौजूद वायु से प्राप्त होती है, इसी कारण उसे मिट्टी की ऊपरी सतह पर बोया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। और अंकुरण में जल की ज़रूरत क्यों होती है? अंकुरण में जल की ज़रूरत क्यों होती है? सूखी अवस्था में बीज में जल की मात्रा बहुत कम होती है, तो मिट्टी के अंदर बीज जल को सोख कर अपने जो सीड कोट होती है उसको नरम बनाता है, जिसे तोड़कर एम्ब्रियो बाहर निकल पाता है। ठीक है, और अंकुरण में अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, अंकुरण में कितने ताप की आवश्यकता होती? हमने ताप के बारे में जिक्र किया कि ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, तो कितना ताप जरूरी है? तो बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतया 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। और कहा जाए अलग अलग बीज के लिए अलग ताप होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल बात है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और प्रकाश की कितनी अनिवार्यता होनी चाहिए, कितना प्रकाश जरूरी है? तो प्रकाश के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, आप सभी जानते हैं ये, लेकिन हमेशा अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता है। जैसे टमाटर ये सब अंधकार में ही ज़्यादा तेज़ी से अंकुरित होते हैं, लेकिन नए पौधे के लिए भोजन निर्माण में प्रकाश अनिवार्य होता है। तो प्रकाश की ज़रूरत इस रूप में होती है, जब नया पौधा बनता है तो भोजन निर्माण में प्रकाश जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और मिट्टी की कितनी अनिवार्यता होती है, कितना ज़रूरी मिट्टी है? अंकुरण के लिए मिट्टी भी बहुत ज़रूरी नहीं होती, चना वगैरह कपड़े में लपेट के आप अंकुरित करवा सकते हैं, मूंग हुआ। लेकिन अंकुरण के तुरंत बाद नए पौधों को, जो नया पौधा निकलता है उसके न्यूट्रिशन के लिए खनिज लवण की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ से मिलती है? मिट्टी से ही प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और आपके लिए आज का सवाल सीड के जर्मिनेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा सवाल, नेपेन्थीस के अलावा किसी एक शिकारी पौधे का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन, ये शिकारी पौधे कहाँ पे उगते हैं, जहाँ किस मिट्टी में उगते हैं, किस जगह पे उगते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती, जहाँ पे सल्फर की कमी होती, या इनमें से कोई नहीं? विकल्प आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका चैप्टर, होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।